मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ चूना, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। क्या कहा? मुझे नहीं लगता मैं कुछ भूला हूँ। अरे आखिर आप लोगों को क्यों लगता है कि कुछ करके मेरा लक छुधर जाएगा? अब मैं अच्छा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ। बाय। मम्मी की बात नहीं मानोगे? बोलो। पर मुझे इन सब चीजों में विश्वास नहीं है। सुनिए ना, हेलो, सब्जी लो, आलू लो, मेथी लो, सबको कूट लो, एक साथ मिला लो। पापा, आपको क्या ये लगता है कि इच्छे मेरा लक्ष्य ही होगा? होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि तुम्हारी पनौती दूर हो जाएगी। क्या अच्छा हो सकता है? अरे मम्मी, ये क्या है? यही वो तरीका है बेटा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। अरे ये क्या? ये आप लोगों की छकल को क्या हुआ? अरे ये अरे कौन ये है? कौन जा रहा है? अरे जरा देखो तो इसे। ये तो घोड़े पर है। ये घोड़े पे बैठा आदमी कौन है? लोग मुझे देखते ही रहते हैं, मैं बहुत स्मार्ट जो हूँ, चाहे मैं स्कूल ही क्यों ना जा रहा हूँ। अरे वो राजकुमार सफेद घोड़े पर है। गुड मॉर्निंग राजकुमार, बाय बाय। इसके घोड़े ने हमारी सड़क खराब कर दी। ला 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 ला। चुबा चुबा पनौती हो गई। राजकुमार बाय बाय, मैं अपने घोड़े पे आना, मैं इंतजार करूंगा। क्या कहा? इंतजार करूंगा? मैं जरूर कुछ भूल रहा हूँ, याद क्यों नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, शायद वो जरूरी नहीं होगा। शुक्र है कि मुझे याद आ गया कि मुझे क्या काम था। मैं आ रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा दोस्त होगा जो मेरे साथ घोड़े की सवारी करना चाहेगा? अंदर चल के देखता हूँ। हाँ, मियो चैन से पूछता हूँ, शायद वो चलना चाहे। मुझे नहीं लगता मुझे वो मना करेगी, मैं सुपर स्टार जो हूँ। सुनो मियो चैन, क्या तुम मेरे साथ घोड़े की सवारी करना चाहोगी? बहुत मजा आएगा। नहीं। मियो ने तो मना कर दिया, अब मुझे किसी और दोस्त से पूछना होगा। मुझ जैसे हीरो के साथ ऐसा क्यों होता है? हीरो और तुम, असली हीरो तो लकी मैन है। लकी मैन? समझ नहीं आता वो जोकर हीरो कब से बन गया। इन्हें हीरो तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि घोड़ा मेरे पास है। तुमने शायद सुना नहीं, हीरो तो लकी मैन ही है। नहीं, आज तो छुपा छुपा पनौती हो गई। दिनी ताबे मेरा, पता नहीं आगे क्या। ये क्या बात है, सब लकी मैन को ही सुपर हीरो मानते हैं। अगर मैं सुपर हीरो नहीं बन पाया तो मेरी क्या अहमियत रह जाएगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? कुछ करना होगा। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप हीरो बन सकते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में। मैं आ रहा हूँ, मुझे हीरो बना दो। सबसे पहले तुम ये बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? डॉक्टर, वैसे आप मेरी उम्र जानकर क्या करेंगे? हीरो बनने से उम्र का क्या लेना देना? ये मशीन जो है वो तुम्हारी उम्र के हिसाब से काम करती है। और वो वाली? ये मशीन मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, आज तक इससे जितने भी हीरो बने हैं वो सब सफल रहे हैं। तो आगे देखो मेरी इस मशीन का कमाल। पर ये दोनों बटन एक जैसे क्यों लग रहे हैं? तुम चुप रहो। ठीक है, अब मैं हीरो बन जाऊंगा। तुम्हें अच्छा हीरो बनाऊंगा। डॉक्टर, आपके हाथों में ये क्या है? मुझे डर लग रहा है। हीरो बनने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर, इसमें डर तो नहीं होगा ना? अपना मुंह बंद रखो, मुझे काम करने दो। क्या कर रहे हो ये? अरे परेशान मत हो, अरे रुको, मेरे पास बहुत दिनों बाद तो हीरो बनने आया है। क्या कहा? मियो चैन ने मिदाचू छे फूल लेने छे मना कर दिया। पता नहीं मिदाचू को क्यों लगता है कि वो एक हीरो है। लोगों को कैसी कैसी गलत फहमियाँ होती हैं। कोई भी मेहनत करे तो हीरो बन सकता है। कैसे हो सर? देखो वो यहाँ भी आ गया।
और ये तो बहुत खुश लग रहा है। दोस्तों मैंने अपने अंदर काफी चीजें बदलवाई हैं और मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी, मैं वो मेदात्सु नहीं रहा जो मैं पहले था। मैं बन चुका हूँ सुपर स्टार मैन। चीजें बदलवाई हैं? इसका क्या मतलब है? मेरी आंखें देखो। ये कैसे हो सकता है? वो चाय! सुपर स्टार मैन स्वागत कीजिए। तालियां हो जाए दोस्तों। ये लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मास्टर ये क्या हो रहा है? अगर लोग ऐसे हीरो बनने लगे तो हो गया काम। आपके अलावा यहाँ पर और कोई सुपर हीरो नहीं है। अरे कोई बात नहीं, सुपर हीरो कितने भी हों इच्छे सबको फायदा होगा, समझे? दोस्तों अब मैं आप सबको दिखाऊंगा अपना कमाल। अरे ये तो उड़ भी सकता है। पूछे अभी उड़ लेने दो, हम लोग बाद में उड़ेंगे। लेकिन आप लोग ये सब मत करो। मैं उड़ तो गया लेकिन उड़ता कैसे रहूं? मेरी किताब कहाँ है? पेज नंबर 11। तुम उड़ नहीं सकते। कहा था ना आपके अलावा कोई सुपर हीरो नहीं। ज्यादा उड़ने वाले नीचे गिरते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखा दोस्तों मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी कोशिश बहुत अच्छी थी। तो आपके सामने खड़ा है बिल्कुल ठीक सुपर स्टार मैन। बहुत बढ़िया, वो सच में बहुत ताकतवर है। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा। पर आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं है मास्टर। ये तो उड़न का श्री है, ये तो हमारी तरफ आ रही है। अरे अब ये क्या मुसीबत है? आखिर ये एलियन हमारे यहाँ ही क्यों आते हैं? दूसरे ग्रह से आया हुआ एक छोटा सा एलियन हूँ मैं। यहाँ आने का मकसद कुछ खास नहीं है। देखने में जरूर छोटा हूँ लेकिन मैं यहाँ कब्जा करने आया हूँ। तो सभी लोगों मुझसे डरो। मेरे लिए एक मौका। आप सब लोग परेशान मत हो, मैं पृथ्वी की रक्षा कर सकता हूँ, बस देखते जाइए। लगता नहीं ये मेरा मुकाबला कर पाएगा। सुनो छोटू, मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगा और फिर मैं पृथ्वी पर मशहूर हो जाऊंगा। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। दिखने में छोटा जरूर हूँ लेकिन मैं बहुत ताकतवर हूँ। लगता है इसे कोई गलतफहमी हो गई है, अभी ठीक करता हूँ इसे। मास्टर हमें कुछ करना चाहिए है ना? जब उसने कहा है कि वो उसे हरा देगा तो हम लोगों को मेहनत नहीं करनी चाहिए, बस देखो। हाँ जाओ ठीक है, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो हेलो, हाँ टीवी वालों, मैं सुपरस्टार मैन बोल रहा हूँ। अच्छा मैं एक छोटू से लड़ने जा रहा हूँ, तो अगर आपको देखना है तो यहाँ आ जाइए। धन्यवाद। देखने वालों के पास ज्यादा समय नहीं है, लड़ो। मेरे कमजोर दोस्त रुक जाओ अभी। मैं कमजोर नहीं, ये मेरी पहली लड़ाई है और मैं चाहता हूँ सब इसका सीधा प्रसारण देखे। रुक जाओ अभी। हाँ हाँ, तो मैं कहाँ पर था? अच्छा मैं कितनी देर इंतजार करूँ? मैं थोड़ा थक रहा हूँ, जल्दी आइए। मैं सब कुछ ही समय बचा है, उसके बाद मैं पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कुछ ही देर में एक घमासान लड़ाई होने वाली है सुपरस्टार मैन और एक एलियन के बीच। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई एक खुले मैदान में होने वाली है और ये आप सीधे प्रसारण के द्वारा देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, बस तैयार हो? मैं तो कब से तैयार हूँ, ना जाने ये कब होगा। अब आप लोग देखेंगे असली हीरो को। खत्म मैं करता हूँ चाहे कितना भी हो डेंजरस।
क्या ये लड़ाई खत्म हो गई? अब तक तो मैं पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका होऊंगा। मैंने तुम्हें हरा दिया, अब तुम जा सकते हो। लड़ाई हुई कहाँ है? अच्छा, सुपरस्टार कटर। मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका कमाल। टुकड़े टुकड़े कर दिए इसके। मास्टर, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा। मुझे यकीन है वो जरूर कुछ करेगा। तैयार हो जाओ और देखो इसका कमाल। सुपरस्टार मैन का निशाना फिर से चूक गया। वैसे भी मुझे इससे लड़ना ही नहीं था। अगर ये खतरनाक होता तब भी मैं इससे ना लड़ता। मैं सोच रहा हूँ इसे छोड़ ही देता हूँ, इसे वापस अपने ग्रह जाने देता हूँ। वापस अपने ग्रह पर चले जाओ छोटू। जिसे तुमने छोटा समझा ये उसका मामूली सा पंच था। खड़ा हो जाऊं बस। ये लो एक और खाओ। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना आज मैं तुम्हें। तुम्हारा गुस्सा किसी काम का नहीं है, तुम बहुत ही कमजोर सुपर हीरो समझ गए तुम? डरो मत से, हिम्मत नहीं है क्या? ये बात साफ हुई कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। चलो मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ। एक सुपर स्टार को किसी की माफी नहीं चाहिए। सुपरस्टार और सुपर हीरो में बहुत अंतर होता है, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। मुझे पता लग गया ये कुछ भी नहीं कर सकता है। चलो चलें, हमें ही कुछ करना होगा। मास्टर, आपको नहीं लगता कि ये दुश्मन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है? मुझे पता है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अरे खड़े क्यों, आ जाओ। जैसा आप कहें। अब वक्त है लकी मैन बनने का। एक दो तीन। पहला मेरा जोश, दूसरी मेरी ताकत, तीन चार से मुझे मतलब नहीं, पांचवी है मेरी ताकत। मैं हूँ डोरियो कुमार। नहीं हूँ मैं पनौती, देता हूँ सबको चुनौती, खाकर लकी गोली बन गया लकी मैन। टन टन। अरे वाह लकी मैन। लकी कुकी और डॉक्टर का आला, ये कैसे आ गया? ये आखिरी वाला क्या था, मुझे समझ नहीं आया। दरअसल बात यह है कि अरे मैं तो फिसल गया। आप फिसल क्यों गए? लेकिन इतनी आसानी से फिसल गया? पैर में दर्द होगा। हाँ मैं इतना लड़ता जो है उसे एक और लकी को के दो। मैं तुम्हारा चेकअप करूं? इनके दिल की धड़कनें ठीक तो चल रही है, बस थोड़ी कमजोरी है इसलिए पैर फिसल गया। बाकी तो सब कुछ ठीक है। ये मक्खी कहाँ से आ गई? मुझे डरा क्यों रहे हो? आपको अगर ठीक आ रही थी तो बता तो देते मुझे। ये छोटी छोटी बातें मैं सबको नहीं बताता। सारे बच्चे पीछे हट जाएं, अब हमला मैं करूँगा। अरे तुम हमला कैसे कर सकते हो जब तक मास्टर यहाँ पर है? ये देखो, मुझे तुम जैसे पुराने हीरो पसंद नहीं। आजकल के हीरो को जब तक गुस्सा नहीं आता तब तक वो हमला नहीं करता, और अब मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, याद रखना। उसे छोड़ दो, हमारा मुकाबला इससे नहीं उससे है। अच्छा तो इस धरती के सुपर हीरो तुम हो, ये बताओ पहले कहाँ थे? तुम बिल्कुल ठीक समझे, ये रहा सुपर हीरो का प्रमाण पत्र। क्या है तुम्हारे पास? इसे तो मेरे पास होना चाहिए। ओए ये तो मेरा है। तुम हर काम से पहले तो अपने मास्टर से पूछते हो, कभी खुद कुछ किया है जिंदगी में? मैं हूँ सुपरस्टार मैन, मुझे किसी की जरूरत नहीं, कुछ सीखो मुझसे। मास्टर मुझे रोक लो वरना मैं। इसकी बात पर ध्यान मत दो। पर ये परेशान मत हो, हमारी बारी है। तो ये है सुपरस्टार कटर, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये स्टार कटर मेरा है। अच्छा तो होगा ही ना, ताकतवर होने से आजकल कुछ नहीं होता, सुपर हीरो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल मेरी तरह, मैं हूँ नए जमाने का सुपर हीरो। लेकिन ये सब बातें तुम्हारी समझ से बाहर है। क्या तुमने? कमीज से मेरी कमीज छोड़ दो वरना तुम्हारी गंदे हाथों से इस पर दाग लग जाएंगे। चुप रहो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे अरे अरे, हमें आपस में नहीं लड़ना मास्टर। लेकिन ये हमारे साथ नहीं है, मैं अकेले ही लड़ता हूँ। अरे क्या कर रहे हो, लड़ाई बंद करो, बस बहुत हुआ। अरे मुझसे भी तो लड़ो। ओ इधर देखो, कुछ कहना है।
कहो। अब तुमको ही कुछ करना होगा। आई अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो आपस में लड़ते रहेंगे जे। मैं समझ गया क्या करना है, अभी आता हूँ। तुम तीनों मेरी बात सुनो। क्या हुआ? इस तीर को तोड़ के तो दिखाओ। ये लो। ये तो बहुत ही आसान है। पहले तोड़ो फिर बोलो। ओ पाजी, ये तो तीन तीर वाली कहानी लगती है। अलग अलग टूटती हैं, एक साथ नहीं वही। अयो, क्या ये एलियन लोग भी ये कहानी पढ़ता जी? ठीक है, अब तीन तीर एक साथ तोड़ के दिखाओ। चलो पकड़ो। देखा तुमने, तीन तीर तुम एक साथ नहीं तोड़ सकते। मेरी बात समझ में आई? अच्छा तो ये लो, अगर 10 तीर एक साथ तोड़ने पड़े तो। ये लो, लगता है कहानी में 10 तीर नहीं उससे ज्यादा थे। मैंने कहानी गलत पढ़ ली थी, अब तोड़ के दिखा। तुमने मेरे सारे तीर तोड़ डाले। मैं तुम लोगों से बात नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। इसने हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? मुझे लगता है कि वो ये बताना चाहता था कि अगर हम एक हो जाएं तो किसी को भी हरा सकते हैं, है ना? इसका मतलब तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, मेरे साथ ही मिल जाएगा। अरे तुम लोग फिर से शुरू हो गए। और पाजी देखो, वो बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? आइए, लेकिन उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जी। अरे तुम लोग मेरी बात तो सुनो, झगड़ा करना बंद करो। अरे ये तो सुपर गिरने वाला है। मैं फिर से जीत गया, लकी मैन जीत गया। अरे मास्टर, आपने कैसे किया? Let me explain what? ओए, हम सब ने देखा है, हम सबको पता हैगा, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। परंतु सुनने में हर्ज भी नहीं है। हमको सब कुछ पता है जे। देखा आप सब लोगों ने मेरे सुपरस्टार कटर की पावर? अरे लोग कहाँ चले गए, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सुपर हीरो बनने, इस बार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, अगली बार फिर आऊँगा लड़ने। इसने कहा ये अगली बार फिर से आएगा, कोई बात नहीं, तब भी देख लेंगे, है ना? अभी चले।